प्यारे बच्चों, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स क्लास सीखते थे गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, बट अब देखिए दोस्तों, आप रेगुलर वीडियोज आपके पोस्ट होंगे। आज हम लेने वाले हैं दोस्तों क्लास टेंथ का अध्याय 15, जिसमें हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वो चैप्टर है जिनके कुल मिलाते 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 30 जून को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, 18 जून को मैथमेटिक्स क्लास 12th का पेपर हो चुका है, दैट्स वाई। और जैसा कि हमने एनालिसिस किया क्लास 12th के पेपर को, तो क्लास 12th के पेपर में क्या था दोस्तों कि और मींस अथवा में क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ भी देखो दोस्तों, हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर का लेवल कैसा रहे, हाई रहे, बट आपको निराश नहीं होना है, आपको तैयारी प्रॉपर करनी है। और जो जो क्वेश्चंस मैं आज बोर्ड पर लेने वाला हूँ दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 15 के सभी क्वेश्चंस को ले लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनको आपने अच्छे से तैयार कर लिया दोस्तों, जो फॉर्मूलाज हैं, तो आपके एक भी मार्क्स इसमें कटने वाले नहीं। तो दैट्स व्हाई इट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मूल सूत्र यहाँ पर हमारे काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बताना चाहिए दोस्तों, ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त थोड़ा सा रफली बनेगा दोस्तों, बट ये सर्कल है और ये वृत्त का केंद्र हो गया दोस्तों। अब वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और किससे इंगित किया जाता है? आर से इंगित किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये चारों ओर जो इसकी ये परिमाप है, इसको परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि। क्या बोला जाता है दोस्तों? परिधि बोला जाता है। और इसके अंदर जितना भी क्षेत्रफल इस आकृति ने घेरा है, यानी इसकी परिधि द्वारा जितना भी क्षेत्रफल घेरा गया है संपूर्ण ब्रह्मांड में से, इस घेरे गए क्षेत्रफल को हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके मूल सूत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृत्त के व्यास की। देखिए दोस्तों, त्रिज्या का दुगुना वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। तो व्यास को हम डी से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? वृत्त का व्यास है, और व्यास को कैपिटल डी से लिखा जाता है, मोस्टली स्मॉल डी से भी लिखा जा सकता है। तो डी इज इक्वल टू हो जाता है दोस्तों 2R, मींस त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जीवा जानते हो दोस्तों? वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वृत्त का व्यास कहलाता है, सॉरी वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त की किन्हीं भी दो बिंदु, यानी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक सीधा रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते जाओगे ऊपर की ओर, तो एक ऐसी जीवा हमें प्राप्त होगी दोस्तों जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास बोलते हैं। और व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है, ठीक है दोस्तों। अब पहले हम बात कर लेते हैं वृत्त की। तो वृत्त में घेरा गया क्षेत्रफल वृत्त का व्यास हो गया दोस्तों d इज इक्वल टू 2r। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर। यहां पे पाई क्या है दोस्तों? पाई एक नियतांक है, और पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, जिसे हम 3.14 भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जहां न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वैसे मोस्टली हम 22/7 को यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 3.14 रखना है, तो हमें उस न्यूमेरिकल में उस पर्सन के अंदर पाई की वैल्यू 3.14 रखनी होगी। मोस्टली कैलकुलेशन इजी होने के हिसाब से 22/7 बहुत इजी होता है, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल नहीं है। इजीली देखिए, मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इसमें रेडियस क्या होगी, रेडियस है तो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी होगी, या आपको डायमीटर है वो मीन 7 के मल्टीपल में होता है मोस्टली, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये एग्जाम के भी आपसे बहुत इजी होती है, और कैलकुलेशन भी इजीली हो सकती है। फिर मोस्टली हम ये कंसीडर करते हैं कि जो क्वेश्चंस होंगे किसी भी मैटर में आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई 22/7 को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है दोस्तों। तो 22/7 का हम मोस्टली यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 3.14 रखना है, या ये भी कहते हैं 22/7 रखनी है पाई की वैल्यू, देन हम पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है वो पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि की, ठीक है। वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि क्या है दोस्तों? ये चारों ओर का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप, उसे ही वृत्त की परिधि बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सर्कमफेरेंस बोला जाता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2πr, ठीक है दोस्तों। यहां 2 एक नियतांक हो गया, पाई
उसमें आपके कौन कौन सी आकृति पूछी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें होता है दोस्तों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप मैंने कि वृत्त की परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या प्राप्त होती है दोस्तों, वृत्त की जीवा प्राप्त होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। अब जीवा वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है अर्थात बांटती है, ठीक है। एक छोटा हो गया इसको हम, अब देखिए ये क्या है, ये पूरा एक वृत्त है और जीवा ने क्या कर दिया, वृत्त के खंड कर दिए। वृत्त के क्या कर दिए दोस्तों, खंड कर दिए। मीन्स जो छोटा वाला हिस्सा है इसे भी वृत्तखंड बोला जाएगा, बड़े वाले हिस्से को भी वृत्तखंड बोला जाएगा, और छोटे हिस्से को बोला जाता है दोस्तों लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और बड़े वाले भाग को बोला जाता है दोस्तों दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड। ये पूरा वीडियो मोस्टली अगर हम देखा जाए तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, बिकॉज यहाँ पर मैं ज़्यादा वर्डिंग्स यूज करूँ तो हो सकता है कि टेंथ क्लास वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत है, तो दैट्स व्हाई मैं हिंदी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, बट अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो उसको सेकेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकेंड बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, और कौन सी आकृति हो सकती है, मैं इन फॉर्मूलाज को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको सबको याद होंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, व्रत की ये जीवा है, जब व्रत की दो जीवा जिनके मध्य कोई कोण हो, जैसे हमने कह दिया थीटा कोण है, थीटा कोण पर दो जीवा बटी हुई है, मींस दो जीवाओं के मध्य अंतरित कोण कितना है दोस्तों, थीटा है। तो इस हिस्से को क्या बोला जाएगा, ये इसे बोला जाता है दोस्तों त्रिज्या खंड। क्या बोला जाता है, त्रिज्या खंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो छोटा भाग है उसे लघु और जो बड़ा भाग है उसे दीर्घ बोला जाता है। ये हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, ठीक है, और ये बड़ा वाला हिस्सा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड, ठीक है दोस्तों। अब इसे संबंधित सूत्र क्या क्या है, अब देखिए दोस्तों, ये पूरा भाग एक वृत्त है और वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। मीन्स अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक छोटा सा कोण है उसने एक भाग को विभक्त कर दिया, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, ध्यान सुना दोस्तों, वृत्त का केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण कितना होता है दोस्तों, वो होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री में से कुछ हिस्सा किसने ले लिया दोस्तों, थीटा ने ले लिया। दैट्स व्हाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक भाग लेना पड़ेगा इसका, हमें क्या निकालना है दोस्तों, त्रिज्या, यानी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या हम बोलते हैं थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। मोस्टली मैं लाइन्स नहीं लगाता मैं, ठीक है, मैं लिखते थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये आपकी समझदारी दोस्तों, थीटा कोण ये भी हो सकता है, थीटा कोण बड़ा वाला भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लघु और दीर्घ का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो थीटा कोण जो भी देखा आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको इजीली पता है वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 60 डिग्री दे रखी है। और जैसा कि आपको पता है, अगर 60 डिग्री कोण देकर आपसे दीर्घ त्रिज्या खंड का पूछ लेता है दोस्तों, तो आप बताइए वृत्त के अंदर अगर छोटा हिस्सा, एक हिस्सा कितने डिग्री का ले लिया, 60 डिग्री का, तो शेष हिस्सा कितने का हो जाएगा, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 60 डिग्री इसने ले लिया, तो बाकी कितना शेष बचा, वो बचा 300 डिग्री। तो समझ में आया दोस्तों, तो जब आपसे दीर्घ के लिए पूछ लिया जाए तो आपको बड़ा कोण लेना है, लघु के लिए बोल दिया जाए तो आपको छोटा कोण लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप सूत्र क्या होगा दोस्तों। अब देखिए, आपको पता है संपूर्ण वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि आपको पता है कि अब हमें थीटा कोण वाले अंतरित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा बटा 360, क्या थीटा बटा हुआ 360 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री।
अब अगर ये लघु के लिए पूछ ले दोस्तों, तो लघु के लिए जो छोटा कोण है उसको हम यूज में करेंगे, और अगर वो दीर्घ पूछ लेता है तो दोस्तों हम बड़ा कोण काम में लेकर उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आप त्रिज्याखंड और वृत्तखंड में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना है। त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं द्वारा बटा हुआ क्षेत्रफल होता है, और जो वृत्तखंड होता है दोस्तों वो जीवा द्वारा बटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र और पूछा जाता है, जो प्रश्न है वो है चाप की लंबाई। अब देखिए दोस्तों, वृत्त की संपूर्ण चाप की लंबाई जिसे हम परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? परिधि। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं सूत्र लिखता हूँ, जिसे हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 2πr। क्या होता है? 2πr। अब बात करते हैं हम थीटा कोण वाले खंड के चाप की लंबाई दिख रहा दोस्तों, चाप की लंबाई की बात कर रहा है यहाँ पर। तो थीटा कोण, अब देखिए दोस्तों थीटा कोण द्वारा चाप की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? यहां से लेकर यहां तक होगी, इसे हम चाप की लंबाई बोल सकते हैं। संपूर्ण चाप की लंबाई क्या होगी दोस्तों? ये संपूर्ण चाप की लंबाई है। थीटा कोण द्वारा अंतरित चाप की लंबाई कितनी है दोस्तों? यहां से लेकर यहां तक हम दो बिंदु डिनोट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। तो थीटा कोण वाले खंड के चाप की लंबाई जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ए। अब इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है ए बी चाप, और चाप के लिए ये चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या सूत्र होगा? 2πr * थीटा बटा हुआ 360। देखिए दोस्तों, आपको इसी को यूज में लेना है, बाद में देखिए 2 से 360 डिग्री आराम से कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में चाप की लंबाई वाला सूत्र भी हो गया दोस्तों, और ये हो गया हमारे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अब बात करते हैं हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब हम जीवा के दो बिंदुओं को केंद्र से मिलाएंगे, ये केंद्र हो गया दोस्तों, यहां पर अंतरित कोण कितना होगा दोस्तों? थीटा। अब ये संपूर्ण क्षेत्रफल क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं ए, इसको बोल दिया बी, तो ए ओ और बी द्वारा अंतरित वृत्त के अंदर संपूर्ण क्षेत्रफल कौन सा होगा दोस्तों? वो एक प्रकार का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये क्या बनेगा दोस्तों? ये इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर ये एक त्रिज्याखंड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? त्रिज्याखंड बनाता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें केवल वृत्तखंड का, देखिए यहां पर लघु वृत्तखंड की बात करें या थीटा कोण द्वारा अंतरित वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए, तो ये वृत्तखंड है दोस्तों, मींस हमें इतना सा क्षेत्रफल इसमें से घटाना पड़ेगा, जो कि एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर होगी दोस्तों? ए ओ बराबर होगी और बी ओ बराबर होगी, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर हमें बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल करोगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। बस इसके लिए आपको एक त्रिकोणमिति सारणी को याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने आपके हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके त्रिकोणमिति सारणी को कैसे बनाया जाता है वो अच्छे से सिखाया दोस्तों, तो प्रीवियस वीडियो को आप देख लें, और मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वृत्तखंड की बात की जाए तो क्या होगा दोस्तों? हमें वृत्तखंड यानी हम कह देते हैं थीटा कोण वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। हमें क्या लिखना है दोस्तों? सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा हुआ 360 माइनस, अब माइनस में क्या करना होगा दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना पड़ेगा, जो होगा दोस्तों 1/2, ध्यान से सुनना दोस्तों, 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो बहुत इजी है दोस्तों, आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अगर याद हो चुका है तो आराम से आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और साइन थीटा की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा के लिए आपको 5 मान याद करने हैं दोस्तों, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उससे अधिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, और जो भी अतिरिक्त होगा तो बीच में जब क्वेश्चन आएंगे तब दोस्तों आपको बता देंगे। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, जीरो 1/2 1/√2 √3/2
एंड वन, ये हो जाएगा दोस्तों साइन जीरो डिग्री का मान है, ये है साइन 30 डिग्री का, ये है साइन 45 डिग्री का, ये है साइन 60 डिग्री का, और ये है मान साइन 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब ये मान हमें याद है तो हम आराम से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये मोस्टली इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस वृत्त से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो हमने काम में लिए, जिससे संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, या हम कहें कि इस प्रश्नावली में इससे संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। और छोटी मोटी आकृतियां, जैसा कि आपने आपको पता है दोस्तों वृत्त, ठीक है, इनमें से हो सकता है कि किसी कोई आकृति में से वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिया जाए, ठीक है, या एक वृत्त ले लिया जाए, वृत्त के कोनों से आपके वृत्त नहीं सॉरी वर्ग के कोनों से वृत्त को हटा दिया जाए, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया जाए, समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, तो ये बेसिक आकृतियां दोस्तों जिनके सूत्र भी आपको पता होने चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। फिर ये बेसिक आकृतियां कौन कौन सी काम में आ सकती है, वो आ सकती है दोस्तों वर्ग काम में आएगा दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 × भुजा होता है। ये तो हो गया वर्ग के बारे में, बात करते हैं आयत की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई × चौड़ाई, और अगर बात करें आयत के परिमाप की तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, दो लंबाई, देखो वहां पर कितनी लंबाई होगी दोस्तों, दो तो लंबाई होगी, दो चौड़ाई होगी, दैट्स व्हाई दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आयत के परिमाप का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, हम आते हैं हम प्रश्नावली 15.1 पर। ठीक है दोस्तों, 15.1 सारे सूत्र बताने चाहिए दोस्तों, कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से हो सकता है, वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त की परिधि, मैं प्रश्नावली 15.1 की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब आपको परिधि दी है दोस्तों, परिधि का सूत्र 2πr होता है, 2πr को आप 44 के बराबर करोगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, त्रिज्या का मान निकल जाएगा, और त्रिज्या का मान निकलने के बाद आप आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, मींस आपको जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल का हमें आधा करना होगा, मींस पाई आर स्क्वायर बटा 2 लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, चलो इस क्वेश्चन को अपन बोर्ड पे ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो दोस्तों, अपना बोर्ड क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कौन सी है दोस्तों, 15.1 है, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है दोस्तों, बार बार प्रश्न को ना देखना पड़े, हम एक छोटा सा हिंट क्रिएट कर देते हैं हमारे कॉपी के अंदर बोर्ड के ऊपर, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान से देखना दोस्तों, जब एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है दोस्तों, जब ये 100 चक्कर लगाएगा तो 100 चक्कर लगाने पर जो ये दूरी तय करता है वो कितनी दूरी तय करता है, 88 मीटर तय करता है। मींस कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो व्रत होगा, व्रत का एक बिंदु घूमकर वापस यहीं पर जाएगा, मींस ये व्रत मान लेते हैं हम, ठीक है, जैसे ये हमने लिया, ये क्या है दोस्तों, व्रत है, व्रत का ये बिंदु है, जब ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा, एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद ये वापस यहां पहुंच जाएगा दोस्तों, मींस इसने कितनी दूरी तय कर ली, एक परिधि जितनी दूरी तय कर ली। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है जब ये 100 चक्कर लगाएगा तो 100 बार अपनी परिधि को कवर कर चुका होगा, मींस 100 × परिधि, इसकी परिधि दोस्तों, उस पहिए की परिधि बराबर होगी 88 मीटर की। ठीक है, यहां से हम ये जो पहिया है उसकी हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, रेडियस हम फाइंड आउट हो जाएगी, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, परिधि बराबर हो जाएगी 88/100। देखिए प्रश्न क्या है, जो प्रश्न है उसमें 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या निकाल ली। अब देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2πr, ठीक है, यह हमने सूत्र रख दिया, यहाँ क्या है दोस्तों 88/100। अब जैसा कि आपको पता है पाई की जो बेसिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है,
22 बटा 7 होती है, हम 22 बटा 7 रखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर बराबर 88 बटा 100। ठीक है दोस्तों, 22 से 88 कटेगा दोस्तों, 22 की टेबल में 4 बार आता है 88, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, 2 की टेबल से 4 को कैंसिल आउट कर दो, फिर ये 2 बच जाएगा दोस्तों। अब अपॉन में क्या है दोस्तों, 100 आप सोचोगे 2 से आप 2 को काट लो, तो दोस्तों जब भी अपॉन में 10 100 1000 मींस 0 हो नीचे तो उनको कैंसिल आउट ना करें, बिकॉज वो पॉइंट में चेंज हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 को वैसे का वैसा रहने देते हैं, 7 को क्रॉस मल्टीपल करके ऊपर भेज देते हैं दोस्तों, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 2 इंटू 7 अपॉन 100 और 2 7 जो 14 अपॉन 100। अब देखिए दोस्तों ये 100 यहाँ पे डेसिमल बन जाएगा दोस्तों, देन वी विल गेट 0.14, बिकॉज हमने निकाला क्या दोस्तों, त्रिज्या निकाली है, तो चूंकि हमें यहाँ पे मात्रक क्या दिया दोस्तों, मीटर दिया है दोस्तों, ये भी किसमें होगा दोस्तों, मीटर में ही होगा, तो 0.14 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम ले लेते हैं, वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर किसी का इशू है तो कमेंट बॉक्स में डाल दे दोस्तों, हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ले लेते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्यों छोड़े है ना, आपको क्यों कमेंट करवा, थक जाते हो तुम, कमेंट पढ़ाई करोगे कमेंट करोगे, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए दोस्तों ये एक प्रकार से सहकेंद्रीय वृत्त का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, एक वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 35 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर दी है, अच्छा मैदान सेंटीमीटर तो नहीं, मीटर भाई साहब, तो 35 मीटर है दोस्तों, और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, एक मार्ग है, एक ट्रैक बना रखा है जिसे, जो कितने सेंटीमीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है दोस्तों, सेंटीमीटर बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से कोई नहीं भाई, जब मीटर है, अब तक के जो क्वेश्चन थे वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चल रहे थे, दैट्स व्हाई हो सकता है, कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, 7 सेंटीमीटर आ गया भाई, 7 मीटर चौड़ा है, तो देश अब देखिए बड़े वाला जो व्रत है, तो बड़ा वाला व्रत की जो त्रिज्या हो जाएगी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी, 42 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें ज्ञात करना है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक प्रकार का एक छायांकित क्षेत्रफल हो गया, जो क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारा सूत्र बना देते हैं पहले दोस्तों, हो जाएगा क्या सूत्र बनाया हमने, हम जो सूत्र बनाया वो है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे बहुत सारे सूत्र दोस्तों अंदर हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हम जैसे बड़ी त्रिज्या को कैपिटल आर बोल देते हैं, छोटी त्रिज्या को स्मॉल आर बोल देते हैं, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसमें हम एक काम कर सकते हैं दोस्तों, पाई को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें बार बार इतनी बड़ी गणना नहीं करनी पड़े, पाई कॉमन ले लिया तो दोस्तों यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू दोस्तों 22 बटा 7, ब्रैकेट लिया दोस्तों आर की, यानी कैपिटल आर की वैल्यू 42 का हमें स्क्वायर करना है माइनस फिर 35 का भी स्क्वायर करना है और दोनों को घटाना है दोस्तों। ठीक है, अब ये और भी इजी हो सकता है दोस्तों, कैसे हो सकता है देख लीजिए, इसको हम तोड़ सकते हैं 22 बटा 7 इंटू इसको, देखिए दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 42 माइनस 35 इंटू 42 प्लस 35, बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों, हमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, यही पे सीधा गुणा करना पड़ेगा इसको, तो 22 बटा 7 इंटू 42 में से 35 गए दोस्तों, तो हमारे को 7 मिलने वाला है दोस्तों, क्या मिलने वाला है 7 इंटू 42 और 35 को अब जोड़ते हो तो 5 और तो 7 और 7 ये 77 हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत इजी सा स्टेप से मिल गया हमारे को, अब अपॉन वाले 7 से हम ये वाले 7 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिल गया दोस्तों 22 इंटू 77। अब 77 को 22 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं 77 इंटू 22
22, इसको हम लिख सकते हैं 154 इंटू ये 154 हो जाएगा, देन वी विल गेट 1694, कितना मिलेगा दोस्तों 1694, क्योंकि ये किसमें निकाला है, हमने क्षेत्रफल निकाला है, मात्रक जितने भी दिए थे त्रिज्या के वो मीटर में दिए थे, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों 1694 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर हम बाय द वे जो हमने क्वेश्चन किया था घास के मैदान वाले, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, थोड़ा हमने इसको एरेज नहीं किया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसी से संबंधित है, आपका आंसर यही दिख जाएगा दोस्तों, दिख रहा है आपको आराम से, क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें एक त्रिज्या कैपिटल आर है तो दूसरी त्रिज्या स्मॉल आर, इसने भी यही मानी है दोस्तों। तो जो ऑप्शन होगा दोस्तों, जब सेकेंडरी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, कॉमन लिया दोस्तों। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे को, ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन वी विल गेट पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही हमारा आंसर है दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे रामलीला हमने कर रखी है, मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रोड की जगह हम यहाँ छाए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम छायांकित भाग। ठीक है, तो या हम ये भी कह सकते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, परिबद्ध क्षेत्रफल अगर आप डायग्राम बनाते हो तो छायांकित भाग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बोली है, मीन्स बड़े की त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, आराम से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सारा फॉर्मूला सेम होगा, मीन्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर होल स्क्वायर, बस कैपिटल आर की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको भी हम इसी फॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो 4 माइनस 3 ब्रैकेट फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों, देन वी विल गेट 4 माइनस 3 करोगे क्या मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ मिल जाएगा 1 और 4 प्लस 3 करोगे यू विल गेट 7, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आफ्टर इट लास्ट में जो हमारा आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा दोस्तों 22, और जो इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर में दिया दोस्तों, तो 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारा ये पूरा अध्याय 15.1 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब आज ही 1 घंटे बाद में हमारी क्लास वापस लॉन्च हो रही है दोस्तों, जिसमें 15.1 से 15.2 और 15.3 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों उनका हम समावेश करेंगे हमारे लेक्चर में। और दोस्तों इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहें।